नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में हमें ऐसी पांच मिस्टेक नहीं करनी चाहिए जिनकी वजह से हम अपने हजारों लाखों रुपए बचा सकते हैं। काफी लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा पैसों का नुकसान होता है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी पांच गलती मिस्टेक डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से आपकी हेल्प हो सके कि आप ऐसी गलती ना करें और आपके पैसे का लॉस ना हो आपको। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं पुंडीर फाइनेंस। सबसे नंबर वन मिस्टेक है टिप्स। स्टॉक मार्केट के बारे में काफी लोग टिप्स देते रहते हैं कि आप ये वाला स्टॉक खरीद लीजिए, आप ये वाला स्टॉक खरीद लीजिए। आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स आपको बताएंगे कि आप ये वाला स्टॉक खरीद लीजिए, ये कंपनी काफी ज्यादा मल्टीबैगर बनने वाला है, ये वाला स्टॉक, ये कंपनी काफी ज्यादा ग्रो करने वाली है। इस तरीके से आपको मोटिवेट करेंगे क्योंकि वो उस स्टॉक को खरीद लेते हैं तो उन्हें लगता है कहीं मैं अकेला तो नहीं हूं इस स्टॉक के अंदर, वो आपको भी उसके अंदर फंसाना चाहते हैं। तो आपको ऐसी किसी भी टिप्स पे भरोसा नहीं करना है, आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है। ये स्टॉक मार्केट है, इसके अंदर आपका जो आपने मेहनत से पैसे कमाए हैं, जोड़े हैं, वो आपके पैसे लगते हैं इसमें। जो आप धीरे धीरे करके पैसे जोड़ते थे वो पैसे आपने स्टॉक मार्केट में लगाए हैं, तो आप किसी की बात पर बिलीव मत करिए। काफी ऐसी कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट की जो इस काम को कर रही हैं कि आप हमसे टिप्स लीजिए, हमें कुछ पैसे दीजिए हर महीने, हमारा सब्सक्रिप्शन है कि हम आपको डेली टिप्स देंगे, आप काफी पैसे कमाएंगे। आप ऐसी किसी कंपनी पे भरोसा मत करिए क्योंकि ये सब पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमाने हैं, आपको अच्छी जगह पे पहुंचना है स्टॉक मार्केट में, तो आपको खुद सीखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट ये पैसे का खेल है, इसके अंदर आपसे हर कोई पैसे खींचने की कोशिश करेगा। हर कोई चाहता है कि उसकी कंपनी ग्रो करे, वो आपसे चाहेगा कि आप मेरा ये सब्सक्रिप्शन खरीद लीजिए, हम आपको टिप्स देंगे। आप किसी की भी बातों मत आइए, आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है कि मैं सीखूंगा, मैं धीरे धीरे करके अच्छे पैसे कमाऊंगा। जब तक आप अच्छी कंपनीज के अंदर, जो बड़ी कंपनी है जिनके प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, उन कंपनीज में आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। किसी भी टिप्स पे भरोसा मत करिए। मान के चलिए कि अगर आपने किसी की टिप्स यूज कर ली और आपको मान के चलिए 50,000 रुपए का लॉस हो गया, तो जो टिप्स दे रहा है क्या वो आपको 50% लॉस देगा? आप उससे सीधे यही पूछिए जो आपको टिप्स दे, आप उससे सीधे ये पूछिए कि क्या आप मुझे लॉस देंगे, तो वो अपने आप मना कर देगा, मैं मुझे कोई मतलब नहीं है। आप किसी से भी टिप्स मत लीजिए। स्टॉक मार्केट में लोग हजारों लाखों करोड़ों रुपए लॉस कर देते हैं सिर्फ टिप्स की वजह से। काफी लोग तो इस तरीके से टिप्स बोलते हैं कि हमने अभी इनसाइडर कंपनी से इनसाइडर न्यूज आई है कि ये कंपनी ज्यादा ग्रो करने वाली है, कंपनी कुछ इस तरीके की डील करने वाली है जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक फिर से उछाल मार देगा। तो इस तरीके की लोग बातें करते हैं, आपको उलझाना चाहते हैं कि आप भी इस स्टॉक को खरीद लीजिए। किसी की बात मत मानिए, किसी न्यूज चैनल की बात मत मानिए, क्योंकि आपका पैसा है, लॉस भी आपको होगा। अगर मान के चलिए कोई टिप्स की वजह से आपको फायदा भी हो गया है, तो आप वहां सीखना बंद कर देंगे। आपको सीखना है क्योंकि फ्यूचर में ऐसी टिप्स आपके पास नहीं आएंगी कि आप पैसे कमाते रहें। आपको सीखिए, जब आप सीखते रहेंगे तो आपके पास काफी ज्यादा पैसा। सेकंड मिस्टेक जो काफी लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं, स्टॉक मार्केट में लोग आने के बाद उनके पास काफी कम पैसे होते हैं। जो भी बिगनर स्टॉक मार्केट में आया उसके पास काफी कम पैसे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि इंट्राडे में सबसे ज्यादा पैसे हैं, तो वो क्या करते हैं, इंट्राडे करना स्टार्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि मैं अपने पोर्टफोलियो को कुछ लाख कुछ करोड़ तक ले जाऊंगा। बट उस चक्कर में उनके पास वो पैसे भी नहीं बचते जो लेके आते हैं स्टॉक मार्केट में। तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको छोटे छोटे लॉस लेने हैं, उससे सीखना है कि जो आपने एनालिसिस की थी वो सही है या गलत है, जो आपने चार्ट देखे थे वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको छोटे छोटे लॉस के साथ करनी है। आपको प्रॉफिट होगा तो स्मॉल होगा और आपको लॉस होगा तो स्मॉल होगा। आप स्टार्टिंग में ज़्यादा बड़े प्रॉफिट और ज़्यादा बड़े लॉस के बारे में मत सोचिए। इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में सही से स्टेबल बन पाएंगे, नहीं तो आपको स्टॉक मार्केट अपने बाहर निकाल देगा। आपका जो भी पैसा है उसे रख लेगा अपने पास और आपको बाहर। थर्ड मिस्टेक जो काफी लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं, लोग क्या करते हैं, जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो वो देखते हैं कि जो लार्ज कैप कंपनी है उनके स्टॉक प्राइस 3,000, 5,000, 10,000 इस तरीके से होते हैं, और जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये इस तरीके से स्टॉक्स मिल जाते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास 1,00,000 रुपये हैं और मैं इन्वेस्ट करता हूँ रिलायंस स्टॉक्स के अंदर, तो मेरे सिर्फ 2,500 रुपये के हिसाब से 40 स्टॉक्स आएंगे। अगर उन पे 100 या 200 रुपए का भी इंक्रीमेंट आता है तो मुझे 4,000 या 8,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसी तरफ वो सोचते हैं कि मैं पेनी स्टॉक खरीदता हूं, 10 रुपए वाला स्टॉक खरीदता हूं, 10,000 तो क्वांटिटी आएगी। अगर मान के चलो 10 रुपए भी बढ़े तो मेरे 1,00,000 रुपए बढ़ेंगे, और 10 रुपए वाला स्टॉक 100 रुपए का इजिली हो सकता है और 2,500 रुपए का स्टॉक 10,000 रुपए का काफी मुश्किल से होगा। तो वो देखते हैं 10 गुना रिटर्न, तो वो सोचते हैं मेरे 1,00,000 रुपए के 10,00,000 रुपए हो जाएंगे। इसके चक्कर में जो उनके 1,00,000 रुपए हैं वो भी 50-60,000 रुपए रह जाते हैं। जो पेनी स्टॉक 10
₹500 का था वो ₹5-6 का हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें और ज्यादा नुकसान हो जाता है। जो स्टॉक पैनी पहले से बन चुका है उसकी कुछ ना कुछ कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी जिसकी वजह से वो इतने अच्छे प्राइस से पैनी स्टॉक बन चुका है, तो हो सकता है कि वो फ्यूचर में ग्रो करे, नहीं करेगा वो ग्रो, क्योंकि काफी बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं। आपको लगता है कि मैंने देख लिया ये स्टॉक मेरी नजर में आया, आपसे पहले बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नजर में आ चुका था वो स्टॉक, फिर भी उन्होंने वो स्टॉक नहीं लिया। 1% पेनी स्टॉक जो है वो मल्टीवैगर बनते हैं और 99 पेनी स्टॉक और ज्यादा पेनी स्टॉक बन जाते हैं। तो आपको पेनी स्टॉक से हमेशा बचना है। और फोर्थ मिस्टेक है जो काफी लोग करते हैं, स्टॉक मार्केट में आते हैं और लॉस मेकिंग कंपनीज में पैसे लगाते हैं। उन्हें लगता है कि इस कंपनी का एडवर्टाइज सेलिब्रिटी कर रहे हैं, कॉमेडियन कर रहे हैं, तो मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूं। इसी तरीके की एक कंपनी थी पॉलिसी बाजार, इसका एड अक्षय कुमार और कपिल शर्मा ने किया था, तो लोगों को लगता था काफी कंपनी अच्छी है, उसके अंदर लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। उसका IPO 950 में आया था और लोगों ने लिया, और जब IPO लिस्ट हुआ तो कंपनी का प्राइस 1050 इस तरीके से हो गया। बट आज कुछ महीनों बाद उस कंपनी का प्राइस है ₹450। तो काफी लोगों को नुकसान हुआ, लोगों का 50% फंड का नुकसान हो गया उस स्टॉक के अंदर, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। आपको लॉस मेकिंग कंपनी से हमेशा दूर रहना है। जो कंपनी खुद प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रही तो आपके पैसे को कैसे प्रॉफिट में लेके जाएगी, आपको ये वाली चीजें देखनी है। और एक चीज और हमेशा देखनी है कि आप कंपनी के मालिक नहीं हो, कि आप कंपनी को नहीं छोड़ सकते, आपके इमोशन जुड़े हुए कंपनी से, आप कंपनी के मालिक हो इसलिए कंपनी नहीं छोड़ सकते। आप इन्वेस्टर हो और स्टॉक मार्केट में आप आए हो सिर्फ पैसे कमाने, ना कि पैसे बर्बाद करने। आप यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट करने नहीं आए कि लॉस मेकिंग कंपनी में मैंने पैसे लगाए थे, कंपनी बहुत ऊपर चली गई, मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ, इस तरीके एक्सपेरिमेंट आपको करने ही नहीं है स्टॉक मार्केट में। आपके पास 5000 से भी ज्यादा कंपनी है, आप उनमें कंपनी चूज करिए कि कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल है, उस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करिए, आपको यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। तो फोर्थ जो मिस्टेक थी जो लोग करते थे कि लॉस मेकिंग कंपनी से हमेशा दूर रहना है। अगर आप रहेंगे तो आपके पास पैसे काफी ज्यादा होंगे, अगर आप नहीं रहेंगे तो जो आप पैसे लेके आए हो स्टॉक मार्केट में आप उन्हें भी गंवा दो। मिस्टेक जो लोग करते हैं स्टॉक मार्केट में, जिन्हें 2-3 साल स्टॉक मार्केट में हो जाती हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंट आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं स्टॉक मार्केट में ₹5 लाख से ट्रेडिंग कर रहा हूं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मैं ₹2 लाख कमा पा रहा हूं 40%। ऐसा ना करके मैं अपने घर पे लोन ले लेता हूं, गोल्ड पे लोन ले लेता हूं और अपने रिलेटिव से पैसे ले लेता हूं, ₹50 लाख लगाऊंगा तो मुझे ₹20 लाख मिलेंगे, तो वो इस तरीके से सोचते हैं। एक वो कहानी थी बचपन में हम पढ़ते थे उसके बारे में, एक किसान था उसके पास एक मुर्गी थी, वो डेली उन्हें एक सोने का अंडा देती थी, तो उस किसान के पास काफी ज्यादा पैसे होने लग गए उस मुर्गी से। तो किसान ने एक दिन सोचा कि इस मुर्गी से ही तो अंडे आते हैं, मुझे आज मैं इस मुर्गी को काट लेता हूं और सारे अंडे एक साथ बेचूंगा तो एक साथ रईस हो जाऊंगा अपने शहर का, अपने गांव का। तो वही वाला हिसाब वो ट्रेडर करते हैं, वो क्या करते हैं कर्जा ले लेते हैं चारों लोगों से और स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं। वो 20 लाख की सोच रहे होते हैं और स्टॉक मार्केट कब क्रैश होगा, कैसे क्रैश होगा, कौन से ऐसे रीजन है स्टॉक मार्केट क्रैश होने के, किसी को कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो ऐसे लोग जो होते हैं जो 20-40% प्रॉफिट की सोच रहे होते हैं कि मुझे 20 लाख का प्रॉफिट होगा, अगर उसका अपोजिट होता है, अगर उन्हें 20 लाख का लॉस होगा तो उनके पास सिर्फ 5 लाख थे, उन्हें 15 लाख का और ज्यादा लॉस होगा, तो वो कहां से देंगे उस 15 लाख को। उसकी वजह से काफी ज्यादा लोग लॉस करते हैं और काफी ज्यादा लोग सुसाइड की जो कंडीशन बनती है वो यहीं पे बनती है, लोग कर्जा लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने देखा होगा स्कैम 1992 में हर्षद मेहता के दोस्त ने भी इसी तरीके से पैसे लगाए थे कर्जे पे लेके, और जब मार्केट क्रैश हुआ तो उसने सुसाइड किया था। तो इसी तरीके से लोग यूज करते हैं, और आप इस तरीके से हमेशा बचिए। आप कर्जा लेके कभी स्टॉक मार्केट में पैसे मत लगाइए, आप कर्जा लेके स्टॉक मार्केट से हमेशा दूर रहिए। और जो लगा रहे हो उन्हें ये वाली वीडियो दिखाइए और उन लोगों को भी मोटिवेट करिए कि आप भी ऐसा काम ना करें। हमने इस वीडियो में ये 5 मिस्टेक डिस्कस की जिसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए का लोगों ने लॉस किया है, और आपने इनमें से कौन सी मिस्टेक की है या फिर इससे अलग कौन सी मिस्टेक की है जिससे आपको लॉस हुआ है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।